लंबे समय से बिना चीफ सिलेक्टर के ही खेल रहे भारतीय टीम के लिए आखिरकार खुशखबरी निकलकर बाहर आ ही गई है, जहां अब ये लगभग तय हो गया है कि अजीत आगरकर ही भारतीय टीम के नए चीफ सिलेक्टर होंगे। ऐसे में उनके पदभार संभालते ही उनके लिए कई चुनौतियां राह देख रही होंगी। तो कैसे हैं आगरकर के इस पद पर बैठने के चांस और क्या चुनौतियां होंगी इस नए चीफ चयनकर्ता के सामने, आसान बताएंगे आपको इस वीडियो में। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरतलब है कि पूर्व चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के द्वारा इस्तीफा देने के बाद से खाली चल रहे चीफ सिलेक्टर के पद को भरने के लिए बीसीसीआई के द्वारा आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए पहले तो वीरेंद्र सहवाग का नाम निकल कर आ रहा था, मगर सैलरी को लेकर समन्वय नहीं बनने के कारण जैसे ही उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हुआ, वैसे ही इस पद के लिए अजीत आगरकर का नाम निकल कर बाहर आना शुरू हो गया, जिसके बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये पूर्व तेज खिलाड़ी इस पद पर आसीन हो ही जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस खिलाड़ी ने इस पद के लिए आवेदन किया हो। इससे पहले भी 2021 में इस खिलाड़ी ने आवेदन दिया था, मगर अपने क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साथ नहीं मिलने के बाद इस खिलाड़ी को बिना इस पद के ही संतोष करना पड़ा था। मगर अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये खिलाड़ी जरूर चीफ सिलेक्टर बन ही जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही अजीत के इस पद पर बैठने की खबर लगभग तय हुई है, वैसे ही ये खबर भी निकल कर बाहर आनी शुरू हो गई कि बहुत जल्द बीसीसीआई इस पद के लिए दिए जा रहे सैलरी को भी रिवाइज करेगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि नए चीफ सिलेक्टर को कितनी सैलरी दी जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक मुख्य चयनकर्ता को 1 करोड़ की सैलरी दी जा रही थी, वहीं अन्य सिलेक्टर्स को 90 लाख की सैलरी दी जाती है। मगर जैसे ही ये पूर्व तेज गेंदबाज सिलेक्टर के पद पर बैठेगा, वैसे ही मुख्य चयनकर्ता की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और इसी के साथ बीसीसीआई अन्य सिलेक्टर्स की भी सैलरी बढ़ाता नजर आएगा। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब बात कर लेते हैं चीफ सिलेक्टर की चुनौतियों की। तो आपको बता दें कि जैसे ही आगरकर चीफ सिलेक्टर के पद पर बैठेंगे, वैसे ही उनके ऊपर पहली जिम्मेदारी होगी उस भारतीय टीम का चयन करना जो वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सीरीज में T20 मुकाबला खेलने जाएंगे। इसके बाद इनके ऊपर इससे भी बड़ी चुनौती होगी अभी भारतीय टीम के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के टीम का सिलेक्शन करना। ऐसे में आपको बता दें कि अगर इन दोनों टूर्नामेंट में अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर आगरकर के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, चूंकि इस बार का वर्ल्ड कप टीम इंडिया में होने ही वाला है, तो प्रशंसकों को भी ये उम्मीद है कि भारत इस बार का वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ऐसे में अगर टीम के सिलेक्शन में कोई भी गलती हुई तो फिर आगरकर के ऊपर ही हार का सारा ठीकरा फूटता नजर आएगा। ऐसे में अजीत आगरकर को अपने आप को इन मुश्किलों से बचना है तो हर हाल में एक अच्छी टीम का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। बात अगर अजीत आगरकर की करें तो भारत के लिए उन्होंने कुल 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत को जीत भी दिलवाई है। और ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि इनके आने के बाद भारतीय टीम के सिलेक्शन में सुधार होगा और भारतीय टीम पहले से भी मजबूत नजर आएगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अजीत आगरकर अपने प्रशंसकों की उम्मीदों पर कितने खरे होते हैं और भारतीय टीम को क्या ऐसी स्थिति तक पहुँचाने में कामयाब हो पाते हैं जहाँ से वो भारत को एक ऐसी टीम दे सके जो कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने में सफल हो। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अजीत आगरकर के चीफ सिलेक्टर बनने के बाद भारतीय टीम अच्छे खिलाड़ियों की एंट्री हो पाएगी और क्या वह खिलाड़ी भारतीय टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।